फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट हैंडलिंग। आज है पार्ट फोर की बारी। अभी तक हम पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज होगा पार्ट फोर। कोई आपसे कहे कि आपने जो प्लान दिखाया हमें बहुत पसंद आया, लेकिन हम आपसे इंश्योरेंस क्यों लें? क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है। एक 20 से 22 साल के नए एजेंट से हम बीमा क्यों लें? मैं तुम्हारी जगह किसी एक्सपीरियंस एजेंट से बीमा लेना चाहूंगा। आपके पास इस तरीके का ऑब्जेक्शन आए तो जाहिर सी बात है कि आपकी उम्र कम है, तो आप अपने कस्टमर को कैसे कन्विंस करेंगे? इस तरीके के ऑब्जेक्शन को कुछ इस तरीके से हैंडल करिए। तो सबसे पहले आप उनसे कहिए, वेरी गुड सर, बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक्सपीरियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एक्सपीरियंस उम्र के साथ साथ आता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि ज़्यादा उम्र वाले लोगों को उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, बल्कि कम उम्र वाले लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनुभव और एक्सपीरियंस इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने फील्ड में कितना ज़्यादा काम किया है। फिर आप उनसे कहिए कि हम इंश्योरेंस फील्ड में जरूर नए हैं, लेकिन नौसिखिया नहीं है। हम हर साल लोगों को इंश्योरेंस का क्लेम दिलवाते हैं और सैकड़ों लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं, और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको एक्सपीरियंस या ओल्ड एडवाइज़र चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। यहाँ मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगी कि मेरी उम्र अभी 25 साल की है और आपकी 40 साल की है। आप 25 साल का प्लान लेते हैं किसी एक्सपीरियंस एडवाइज़र से जिसकी उम्र 50 साल है। 25 साल बाद जब मेच्योरिटी का टाइम आएगा तो आपकी उम्र 65 की हो जाएगी और आपके एडवाइज़र की उम्र 75 तक हो जाएगी। शायद उस उम्र तक आपका एडवाइज़र जीवित भी रहे, तो ऐसे एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा जो आपके काम ही ना आए? आपको मेच्योरिटी के टाइम पर खुद ही इधर उधर भागना पड़ेगा। और अगर यही इंश्योरेंस आप मुझसे लेते हैं तो मैच्योरिटी के टाइम पे भी सिर्फ 50 साल की मेरी उम्र होगी और मैं आपको पॉलिसी की सर्विस टाइमली दे पाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।